एवरीवन आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से आया है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम पीछे पड़ चुके हैं जो जब भी ऑर्गेनाइजिंग की जाती है तो स्टेप बाई स्टेप एक्शंस लिए जाते हैं जैसे सबसे पहले काम को पहचानना फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना उसके बाद फिर असाइनिंग करना ड्यूटीज और फिर डेलीगेट करना काम को सबको काम सब में बांटना कि किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या अथॉरिटी होगी तो इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें अगर तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क दोनों परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजरियल टास्क क्या होते हैं मैनेजरियल टास्क एक ऐसा टास्क होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट किया जाता है आपको पॉलिसी बनानी होती है यू हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन फॉर दैट एंड ऑपरेटिंग टास्क इज समथिंग वेयर यू विल बी वर्किंग ऑन अ रियल बेसिस लाइक आप ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हो आप काम कर रहे हो तो ये दोनों तरह के काम को डिफाइन करता है और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ दोनों चीज़ें होती हैं फिर ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज़ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि किसके पास क्या पावर होगी कौन क्या काम करेगा अगर कोई काम नहीं करता है तो किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी एवरीथिंग इज गिवन इन दिस स्ट्रक्चर एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो काफी लार्ज एक्सटेंट तक इसको एक प्रारूप देता है शेप देता है आप कहेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सब दैट कैन बी इफ़ेक्टिवली मैनेज बाई यर सुपीरियर ये एक ऐसा नंबर ऑफ पीपल है जो एक सुपीरियर के अंडर में काम करता है आप देखेंगे जब भी जो बॉस होता है या जो भी सीनियर पोस्ट पर होता है उसके अंडर में बहुत सारे लोग दिए जाते हैं कि आप इनसे काम कराइए तो अगर वो उनने लोगों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए तो उसको बोलते हैं इस पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि कितने लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली उसको हम इस पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं तो स्टूडेंट्स पैन ऑफ मैनेजमेंट ही है जो एक अच्छे से शेप देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का और ये डिटरमिन करता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा स्ट्रक्चर क्या हो लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर क्या होगा फिर एक और चीज है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है होगा तभी जाके प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा इफ इट इज मिसिंग देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू यू नो रन द बिजनेस एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एनी बिजनेस टू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे मैनेजरियल और फंक्शनल uh, दोनों तरह के काम होते हैं अगर आप देखो मैनेजरियल जहाँ पे काम होता है और ऑपरेशनल फंक्शन होता है जहाँ पे रियल में काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ फिर हमने दूसरा पढ़ा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल uh, स्ट्रक्चर के लिए और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए फिर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वेरी करते हैं नेचर के साथ और कई तरह के हो सकते हैं लेकिन जो मेन मेन है वो दो ही हैं एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है और एक डिविजनल स्ट्रक्चर है तो आइए समझते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस के बिहा पे बनाया जाता है यानी यहाँ पे जो मेन जो इंपॉर्टेंस दी जाती है फंक्शन को दी जाती है कि काम किस तरह का एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन जो है वो है Uh, मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम चल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है काम का प्रोडक्शन करना गुड्स प्रोड्यूस करना तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी एक तो प्रोडक्शन का काम करना पड़ेगा मार्केटिंग भी चाहिए होगी जिससे कि आप मार्केटिंग कर पाओ कि ये सामान बनाएं फाइनेंस पैसे से भी देख रेख करनी पड़ेगी और ह्यूमन रिसोर्स का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉयज़ की छुट्टी उनके काम किस तरह से उनको छुट्टी देना है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डील करना तो ये सारा चीज जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट्स तो इसको फॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और ये इस तरह से बनाया जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बना दिया एक फाइनेंस का बना दिया एक मार्केटिंग बना दिया तो इस तरह से काम को बांटा जाता है अब फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली अगर हमें बोला जाए तो ये क्या है कि इट इज अ स्ट्रक्चर जॉब्स ऑफ़ सिमिलर नेचर आर मेजर मेजर एंड आर ऑर्गेनाइज एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स तो ये एक मेजर फंक्शन में बांटा जाता है और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और इसमें जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्लासिफाइज पीपल अकॉर्डिंग टू देर फंक्शन दे परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे वो काम को करता है वहाँ का जो इंडिविजुअल है उसके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है अ पर्सन विल बी इन चार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट कह रहा है कि वहा वही आदमी को इंचार्ज बनाया जाएगा जो उससे संबंधित काम जिसको आता हो जैसे एक को प्रोडक्शन मैनेजर बना दो एक को परचेज मैनेजर बना दो यहाँ नीचे देख रहे हो आप डायग्राम में यहाँ देखिए एक मैनेजर है किसका मार्केटिंग का एक मैनेजर है प्रोडक्शन का एक फाइनेंस का है एक एचआर का है एक परचेजिंग का बना दिया एक पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन यानी कि कंपनी की जो पब्लिक के साथ रिलेशन आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ गया है कि पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है कंपनियों का तो इसके लिए भी एक अलग से इंडिविजुअल को रखा जाता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर यही है स्टूडेंट्स कि ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर जॉब लोगों को चुना जाता है और उनके हेड्स बनाए जाते हैं जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया सेल्स मैनेजर अगर आप देखो प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स इस तरह से अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको देखिए एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है दिल्ली में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है स्टूडेंट्स उसकी गुड़गांव में है और मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है ये फरीदाबाद में तो हमने ये तीन चीज़ें नोट की कि अगर हम इसका ध्यान से देखें तो जो इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो तो है दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में है मार्केटिंग इसका फरीदाबाद में तो कंपनी जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रक्स को प्रोड्यूस कर रही है तो ये कौन से को चुनेगी तो आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर को चुनेगी आंसर क्यों है ये क्योंकि इसका जो काम है ना अगर आप ध्यान से देखो तो इसका काम सिमिलर इन नेचर है टाइप्स ऑफ ट्रक ये ट्रक से डील कर रही है और सारे के सारे काम ट्रक से रिलेटेड है तो इसीलिए इसमें हम फंक्शनल डिपार्ट जो स्ट्रक्चर है उसको चुनेंगे क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इसकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी है नो no डाउट तो तरह तरह के ट्रक्स बना रही है लेकिन है तो काम ट्रक्स का ही तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट सूटेबल होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर तो इसके अंदर हम अलग अलग हेड बनाएंगे एक बना देंगे मार्केटिंग का एक प्रोडक्शन का एक फाइनेंस का इस तरह से बना के रख देंगे तो यही है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हम तभी चुनते हैं जब काम जो डाइवर्सिफाइड हो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन जो काम है वो एक ही नेचर का हो तो ऐसे में अब देखिए इसका एक स्ट्रक्चर है आपके सामने जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है हमने क्या किया एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और वो अलग अलग काम के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाया देखिए ये फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस को संभालेगा मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग को संभालेगा और ये प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को संभालेगा ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ कंपनी है तो इसमें ये तीनों काम जरूर होंगे ये एच आर बी यहाँ आ सकता था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब देखो अगर आप ध्यान से तो मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है मार्केटिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी एडवर्टीजमेंट का सेल्स का कस्टमर सर्विस का तो इसके अंडर में एक क्लासीफाई किया जाएगा दूसरे तरह के इंडिविजुअल्स जो इसके अंडर में दिए जाएंगे और ये इनसे काम करवाएगा एडवर्टीजमेंट वाले से कहेगा कि तुम एडवर्टीजमेंट का सारा कामकाज देखो और मुझे रिपोर्ट करो इसी तरह से सेल्स वाले से कहेगा कि तुम सेल्स का काम संभालो और कस्टमर सर्विस वाले को बोलेगा कि तुम कस्टमर सर्विस का काम संभालो तो इस तरह से ये काम करवाता है और ये इनको रिपोर्ट करेंगे ऐसे ही अगर आप इसके एडवांटेजेस देखो अब बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं लेट्स डिस्कस वन बाय वन सबसे पहला एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन अगर आप देखो तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना बार बार एक ही काम को लगातार करते रहते हैं जैसे ये एडवर्टीजमेंट वाला जो है ये बार बार एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम को देखेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये बार बार उसी काम को कर करके स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और रिपीटेड एक्टिविटी की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है ये हाई हो जाएगी और अच्छा करेगा ये तो यहाँ पे आपको बस यही लिख देना है कि बिकॉज द इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड वन डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट देन ही विल बी परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड ड्यू टू दैट ही विल हैव स्पेशलाइजेशन देन द सेकेंड एडवांटेज इज देर इज अ बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है और कोऑर्डिनेशन भी रहती है कैसे मैं समझाता हूँ आपको अगर आप यहाँ देखो तो ये जो आप देख रहे हो ना मार्केटिंग वाला मार्केटिंग अगर आप यहाँ पे ये इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं अगर आप यहां पे ये देखिए मार्केटिंग मैनेजर जो है मार्केटिंग मैनेजर के अंदर में ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं तो इनके ऊपर इसका बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा क्योंकि लिमिटेड लोग हैं इसके अंडर में तो यहाँ पे कंट्रोल बनाना आसान है अगर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सीधा इसको क्वेश्चन करेगा कि वाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड यू वर्क सेल्स मैनेजर अगर मान लीजिए सेल्स से रिलेटेड कोई इशू आता है तो ये सीधा सेल्स सेल्स वाले को पकड़ेगा कि भाई आपने सेल्स से रिलेटेड काम टाइम पे क्यों नहीं किया तो ही विल हैव अ गुड कंट्रोल ऑन हिम एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी अ गुड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि इनको पता है कि मेरे को ये काम ही करके देना है तो तीनों मिलकर अच्छे से काम को पूरा करेंगे और तभी जाके मार्केटिंग मैनेजर का काम पूरा हो जाएगा तो आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कोई भी चीज को देखो आप जैसे ये पिक्चर में अचीव करने के लिए आपस में एक सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और ये वर्क को अचीव करवाने में मदद कर रहे हैं ठीक है तो ये इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि यहाँ कंट्रोल भी रहता है और कोऑर्डिनेशन भी रहता है तीसरा आता है इंक्रीज प्रॉफिट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे स्टूडेंट्स की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है वजह इसकी साफ़ है अगर कोई काम दिया गया तो मार्केटिंग मैनेजर इन्हीं से तो काम कराएगा तो ये लोग डुप्लीकेसी नहीं करेंगे और काम को ढंग से करेंगे तो इससे क्या होगा प्रॉफिट बढ़ जाता है और इसमें कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता है तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट देखने में आता है कि इट लीड्स टू हाई प्रॉफिट देन कम्स कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे आप देखोगे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता यहाँ पे अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मिनिमाइज कर दिया जाता है कोई आदमी दूसरे के काम का क्रेडिट नहीं ले सकता एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जैसे ये है यहीं पे मैं फिर के आता हूँ फिर से कि अब जैसे ये मान लीजिए इसका कस्टमर सर्विस का काम है तो अगर इससे कोई अगर इसने ढंग से कोई काम किया तो ये उसका क्रेडिट नहीं ले सकता ये ये नहीं कह सकता कि मेरे कस्टमरों को मैंने खुश कर रखा है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अच्छे से उनसे बात करता हूं क्योंकि इसका काम है ही नहीं इसका काम तो एडवर्टीजमेंट का है तो जो भी ये काम करेगा उसका क्रेडिट कोई और नहीं लेगा ना तो ये ले सकता है ना ये ले सकता है लेकिन इसी तरह से कस्टमर सर्विस वाला अगर अच्छे से काम करता है तो इसका क्रेडिट ये दोनों नहीं ले पाएंगे तो डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी और देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब डुप्लीकेसी आ जाती है तो वहां खर्चा बढ़ जाता है तो इसीलिए यहां खर्चा नहीं बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगी बिजनेस तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट है फिर आता है फिफ्थ ट्रेनिंग देना आसान रहेगा क्या वाकई में फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेनिंग देना आसान है आंसर है हां क्यों आसान है क्योंकि यहां पे आप देखोगे फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाया गया है तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो तीन लोग हैं देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप यहां देखो तो तीन लोग हैं तो इन इन्हीं को ट्रेनिंग दिया जा सकता आसानी से तो अगर कभी जरूरत पड़ी मान लीजिए ट्रेनिंग की तो जो मार्केटिंग मैनेजर है मार्केटिंग मैनेजर जो है वो ट्रेनिंग सिर्फ मार्केटिंग वाले में जो कौन कौन से लोग होते हैं एक तो होता है एडवर्टीजमेंट वाला एक होता है सेल्स वाला और एक होता है कस्टमर सर्विस वाला मान लीजिए तो इन्हीं तीनों लोगों को बुला के ट्रेनिंग देगा प्रॉपर और अगर इसे लगता है कि खाली एडवर्टीजमेंट वालों को ही ट्रेनिंग देना है तो ये भी ये काम कर सकता है तो इससे क्या होगा काम आसानी से हो जाएगा और दूसरा जो काम है वो इसमें बीच में अड़ंगा नहीं लगाएगा फिर आता है सिक्स क्या इसमें अटेंशन दी जा सकती है आंसर है हाँ इसके वजह से प्रॉपर अटेंशन देने में आसानी हो जाती है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी सपोज करो सेल्स वाले को दिक्कत आ रही है सेल्स करने में तो ऐसे में मार्केटिंग मैनेजर इसको पूरा फोकस करेगा और इसको बुला के समझाएगा कि देख भाई तुझे ये ये दिक्कत हो रही है कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से सीधा आके बात कर और ये सेल्स वाला आके प्रॉपर इससे पूछेगा और मार्केटिंग मैनेजर इसको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा तो ही इज़ नॉट सपोज टू आस्क विद प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर ही इज गोइंग ही इज गोइंग टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मार्केटिंग मैनेजर एंड दैट्स वाई इट विल बी वेरी ईजी फॉर हिम होम मार्केटिंग मैनेजर इट विल बी वेरी ईजी फॉर द मार्केटिंग मैनेजर टू गिव ड्यू अटेंशन टू दैट इंडिविजुअल तो ये एक सबसे अच्छा एडवांटेज है तो ये हमने छह एडवांटेज पढ़े वन बाई वन की एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है कंट्रोल अच्छा बना रहता है प्रॉफिट बढ़ जाता है कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है ट्रेनिंग देना आसान है और अटेंशन दिया जा सकता है किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस देखिए ऐसा नहीं है कि खाली एडवांटेजेस ही है फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस भी हैं नंबर वन सबसे पहले लेस इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा गया है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिस स्ट्रक्चर गिव्स मोर एम्फेसिस टू फंक्शनल हेड्स और डिपार्टमेंट्स इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है किसको देता है ये अपने हेड्स को देता है जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये तीनों हैं जो ये किसको इंपॉर्टेंस देंगे ये सिर्फ मार्केटिंग वाले को ही तो इम्पोर्टेंस देंगे अगर ये कुछ इनसे कहता है तो ये इसको टॉलरेट करेंगे ये बोलेंगे ये हमारे उसमें थोड़ी नए हम इसकी बात क्यों माने तो इस तरह से देखने में आता है कि इसको नज़रअंदाज करते हैं और ये सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं जिससे इनको काम लेना है तो अगर कभी कल को ये कुछ कहता है इनसे इनसे तो ये मानेंगे ही नहीं इसकी बात ये सिर्फ इसकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो यहाँ देखने में यही आता है स्टूडेंट्स कि यहाँ इंपॉर्टेंस जो है कम दी जाती है दूसरा है कोऑर्डिनेशन को लेके दिक्कत आती है सेम वही चीज़ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर में और द इंफॉर्मेशन मे बी पास्ड अमोंग वेरियस डिपार्टमेंट्स तो प्रॉब्लम क्या आती है अब जैसे मैं आपको समझाऊँ इसी डायग्राम से कि कैसे दिक्कत आएगी अगर आप देखिए मान लो कि ये फाइनेंस मैनेजर है अब इसको पैसे से रिलेटेड डील करना है इसने सडनली नोट किया कि जो इसने डिसीज़न लिया था वो गलत हो गया और इसके पास पैसे कम है इसने ज़्यादा पैसा प्रोडक्शन में जो है ज़्यादा डिमांड हो रही है और इसको कम चाहिए था लेकिन इसने ज़्यादा दे दिया इसको इसने क्या किया दस लाख रुपये दे दिए टेन लैक अब क्या होगा दस लाख का इस्तेमाल ये तीनों करेंगे ये मार्केटिंग मैनेजर ने इनको बोल रखा है देखो मुझे काम अच्छे से चाहिए आप इस दस लाख रुपये का अच्छे से इस्तेमाल करो तो ये जब ये बोलेगा कि भाई पैसे का कम इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे कि नहीं हमें तो दस लाख हमारे डिपार्टमेंट को मिला है हम तो इसको यूज करेंगे तुम अपना देखो हमारा तो जो काम है वो हम करेंगे तो ये कई बार ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में ना देके और अपना ध्यान देते हैं तो इससे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है तीसरा है इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट देखने में आता है कई बार आप देखोगे कि इसके अंदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट हो जाता है कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कह रहा है कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन मे कॉज डिफिकल्टीज फॉर द परचेज डिपार्टमेंट अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई ज्यादा प्रोड्यूस करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऊपर की तरफ ले जाओ ग्राफ लेकिन ऐसे में तो दिक्कत परचेज डिपार्टमेंट को आ जाएगी परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा अब रॉ मटेरियल अगर मान लो नहीं है उसके पास या नहीं खरीद पा रहा है तो ऐसे में तो जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अगर ये नहीं कर पाया तो प्रोडक्शन मैनेजर भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर जो है इंटर डिपेंडेंट कन्फ्लिक्ट आने लगते हैं एक के वजह से दूसरे का काम रुक भी जाता है कई बार फिर आ जाता है इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्रमोशन आप देखोगे प्रमोशन में दिक्कत आती है हमने पढ़ा कि तीन तरह के डिपार्टमेंट हमने बनाए एक तो हमने बनाया जो है फाइनेंस एक बनाया मार्केटिंग और एक बनाया हमने मान लो ह्यूमन रिसोर्स वाला बना दिया तो ऐसे में जो टॉप लेवल होगा देखिए मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ यहाँ से अब जैसे मान लीजिए ये है जैसे तो अगर सपोज करो इसको ये तीन काम कर रहे हैं इसके अंडर में अब मान लो कि इसको प्रमोट करवाना है किसी एक को तो किसी एक को ही तो कराएगा सबको तो करा नहीं सकता तो मान लो या तो इसको कराएगा या इसको कराएगा या तो इसमें क्या देखने में आता है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है और इस वजह से ये निराश हो जाते हैं प्रमोशन नहीं होता है कई बार प्रमोशन रुक जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फोकस किया जाता है तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस चार एक तो लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फिर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से जैसे हमने पढ़ा कि जो है प्रोडक्शन वाला कह रहा है प्रोडक्शन ज़्यादा करो फाइनेंस और जो परचेज डिपार्टमेंट है वो परचेज नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से दोनों का काम अटक जाएगा और इनफ्लेक्सीबिलिटी है प्रोमोशन में रुकावट आती है तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर तो देखिए स्टूडेंट्स फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज हमेशा याद रखिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके लिए ये सूटेबल होगा लेकिन एक और चीज से में ध्यान रखना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फंक्शन के हिसाब से फिर दूसरा है जब डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी हो एक ही तरह का काम बहुत तरह का हो जैसे मान लो ट्रक्स बनाना है तो कई तरह के ट्रक्स बना रहे हैं व्हीकल से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी होगी तो ऐसे में फंक्शनल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा काम करता है क्योंकि ट्रक से रिलेटेड ही तरह तरह के काम आप कर रहे हो तो ऐसे में फंक्शनल स्ट्रक्चर अच्छा माना जाता है और जब स्पेशलाइजेशन के काम ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो हाई डिग्री ऑफ़ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो तो ऐसे में फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम आ जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ना था ये दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है सबसे पहले डिविजनल स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि ये देखिए सबसे पहले ना ये भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है लेकिन कहाँ जहाँ प्रोडक्ट अलग अलग तरह के हों और एरिया भी वास्ट हो तो दो चीज ध्यान रखना है जब प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स और वास्ट एरिया होती है तभी जाके इस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया जाता है मैं ऐसे समझा दूं जैसे मान लो अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे हैं इसमें देखो मैं दिखाता हूं आपको इस वाले डायग्राम में कि आप प्रोडक्ट्स अलग अलग कैसे रखोगे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक्स का है एक मेडिसिन का है गारमेंट्स का है, एक फुटवेयर का है तो अलग अलग प्रोडक्ट हो गए ना पहले क्या था एक ही तरह के ट्रक थे यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग हो गए तो इस तरह में ज्यादा यूज होता है और जब टेरिटरी अलग अलग हो तो वहां पे भी यूज होता है तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर है क्या तो वेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट जब ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा तरह का प्रोडक्ट बनाने लगता है तो ऐसे में डिविजनल स्ट्रक्चर को ज्यादा सूटेबल माना गया है डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ये वहीं पे बनाया जाता है जहां सेपरेट डिविजन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट हों हैविंग फंक्शन लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्सेट्रा तो जब प्रोडक्ट अलग अलग हों और बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हो तभी जाके डिविजनल स्ट्रक्चर चुना जाता है यहां पे भी देख सकते हो जैसे एक बुक्स का काम है से एक है एक स्टेशनरी है एक म्यूजिक मूवीज ये सब है तो अलग अलग काम है अगर हम एग्जाम्पल से समझें जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा समझा इसको दो हिसाब से बांटा जा सकता है एक तो प्रोडक्ट के बेसिस पे और एक बांटा जाता है टेरिटरी के बेसिस पे अब पहले ये समझ लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना कॉस्मेटिक्स के अंदर भी तो ज़रूरत होगी परचेज़ की मार्केटिंग की फाइनेंस की इसी तरह से मेडिसिन बिल्कुल अलग काम है लेकिन इसमें भी यही ज़रूरत होगी गारमेंट्स एकदम अलग काम है कपड़े से रिलेटेड लेकिन अगर आप देखो तो प्रोडक्शन uh, चाहिए परचेज चाहिए तो अगर आप स्टूडेंट्स नोट करो तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन बहुत अलग अलग है अगर आप देखो कॉस्मेटिक्स दूर दूर तक नहीं मिलता मेडिसिन से रिलेटेड तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग नेचर है तो ऐसे में जब प्रोडक्ट्स अलग अलग हों और टेरिटरी बहुत ज़्यादा हो जैसे पूरे देश में फैला हुआ चाहे हो चाहे नॉर्दर्न डिवीज़न हो ईस्टर्न डिवीज़न तो हम अलग अलग डिवीज़न बांट देते हैं और पूरे कंट्री में फैला हुआ है बिजनेस तो ऐसे में स्टूडेंट्स हमें डिवीजनल स्ट्रक्चर को चुनना चाहिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं अगर आप देखो डिवीजनल स्ट्रक्चर ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए कि वी गार्ड लिमिटेड एक कंपनी है केरला में स्थित है और इसने क्या किया है अलग अलग बिजनेस चला रही है एक इलेक्ट्रिकल का चला रही है टेक्सटाइल का चला रही है अम्यूजमेंट पार्क है अम्यूजमेंट पार्क होता है स्टूडेंट्स जो बच्चों को खेलने के लिए पार्कस बनाए जाते हैं लंदन में देखोगे बड़े बड़े जो कंट्री है वहां पर आप अम्यूजमेंट पार्क बहुत बड़े बड़े देखोगे कई कई किलोमीटर में फैले होते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं इसको तो यहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक तो इलेक्ट्रिक का काम एक टेक्सटाइल का और फिर एक अचानक सडनली अम्यूजमेंट पार्क आ गया तो यहाँ पे अलग अलग ईच ऑफ दीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नेमली मार्केटिंग प्रोडक्शन फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो यहाँ पर जो कंपनी है वो डिविजनल स्ट्रक्चर को चुनेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन बहुत अलग अलग हैं और इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इट प्रोमोट्स फ्लेक्सीबिलिटी ऐसा होने से क्या है फ्लेक्सिबिलिटी आती है और काम भी जो है ऑटोनोमस बॉडी बन जाती है और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती तो बस हमें यह याद रखना है कि जब तरह तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हों और एक दूसरे से अलग हों तभी डिविजनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है अब आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स अगर आप देखो ऑर्गेनाइज डिवीजनल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर उससे काफी अलग मिलेगा आपको यहाँ एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और तीन तरह के लोग रखे गए हैं एक टेक्सटाइल का एक सीमेंट का अब अगर आप ध्यान दो तो वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बांटा था यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बांटा है टेक्सटाइल प्रोडक्ट अलग होता है सीमेंट अलग होता है फूड प्रोडक्शन अलग होता है अब इनके अंडर में अब जैसे मैं बताऊं सीमेंट एक अलग तरह का प्रोडक्ट है तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट है तो इसके अंडर में तीनों डिपार्टमेंट दे दिए कि भाई तू प्रोडक्शन का काम संभाल फाइनेंस का संभाल सेल्स का संभाल तो इसके पास काम ज़्यादा आ गया और इसको ज़्यादा स्वतंत्र किया गया है ये ज़्यादा देख करेगा और इसी की जिम्मेवारी है इसके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी भी दे सकते हो इसी तरह से टेक्सटाइल के ऊपर भी और फूड के ऊपर भी तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहला एडवांटेज स्किल डेवलपमेंट अगर आप देखो डिवीजनल स्ट्रक्चर के अंदर स्किल डेवलपमेंट आता है क्यों आता है क्योंकि इसके जो डिपार्टमेंट हेल हेड होते हैं इनको अपना काम जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड सबसे काम लेना होता है तो इसके अंदर जो जो है स्किल बहुत ज़्यादा आ जाती है एंड वेरियस स्किल्स ऑफ़ द डिविजनल हेड विच मेक्स इम सुटेबल फॉर हायर पोजिशन इसी के वजह से इसकी पोजिशन भी आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि हर तरह के काम को ये देख सकता है दूसरा आता है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स ध्यान रखना है डिवीजन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फिक्स कर सकते हो तो यहाँ पे फिक्सेशन किया जा सकता है अगर आप देखो यहाँ पे इसमें तो इसके ऊपर आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो ये अपने तरह के प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्शन का भी काम संभाल रहा है फाइनेंस का भी तो सेल्स का भी तो इसके ऊपर ज़्यादा जो है एम्फेसिस uh, दिया जा सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जा सकती है तो डिविजनल हेड कैन बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट फ्रॉम द फ्रॉम हिज प्रोडक्ट और एरिया तो या तो हमने पढ़ा था ना कि या तो एरिया के बेसिस पे होता है या प्रोडक्ट के तो जो भी बेसिस पे हुआ होगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी जाएगी मान लो अगर ये नॉर्दर्न डिवीजन को संभाल रहा है अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दे रहा है तो नॉर्दर्न डिवीजन का सारा का सारा प्रॉफिट इसी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन क्या ये डिसीजन जल्दी ले सकता है आंसर है हाँ ये डिसीजन फास्ट ले सकता है क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है इसको छूट दी गई है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अगर हम फंक्शनल डिपार्टमेंट में देखें तो वहाँ पे वो डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंडेंसी नहीं है ये सिर्फ इन्हीं से काम करवा के काम को पूरा करवा लेगा फिर आता है एक्सपेंशन देखा गया है कि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सपेंशन है ये तेजी से हो सकता है इसमें अच्छी बात क्या है कि एक प्रोडक्ट लाइन दूसरे प्रोडक्ट लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेगी जैसे सीमेंट का काम है तो सीमेंट वाला सीमेंट से ही रिलेटेड काम को कराएगा उसको टेक्सटाइल से कोई लेना देना नहीं है तो इसीलिए अगर बिजनेस को बढ़ाना है मान लो किसी अलग तरह की बिजनेस आप ओपन करना चाहते हो तो ऐसे में आपको एक्सपेंशन करने में आसानी होती है क्योंकि ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये हमने पढ़ा एडवांटेजेस चार एक तो स्किल डेवलपमेंट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है क्विक डिसीजन लिया जा सकता है और बिजनेस को आसानी से ग्रोथ किया जा सकता है अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस इसके कुछ नुकसान भी हैं पहला कन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन देखा गया है कि डिविजन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट आ जाता है अगर आप देखो आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि डिविजन्स को लेके प्रॉब्लम आती है एक डिवीजन दूसरे को कोलास्प करता है और बोलता है कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनी से ये कह सकता है कि टेक्सटाइल के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो और हमारे ऊपर कम कर रहे हो तो ऐसे में ये एक देखने में आता है जैसे रिलायंस का एग्जांपल दूँ रिलायंस कम्युनिकेशन है जो जियो फोन और ये सब बनाती है एक रिलायंस पेट्रोलियम है तो कई बार आप देखोगे पेट्रोल के ऊपर रिलायंस ज़्यादा इंफेसिस देती है कम्युनिकेशन के ऊपर कम तो ऐसे में आपस में कंफ्लिक्ट हो जाता है कि वो बोलेंगे कि भाई अगर हमारे पे पैसा ज़्यादा खर्च करते तो हम ज़्यादा अच्छा करते जियो नेटवर्क और अच्छा करता अगर इसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता अभी आपको पता ही है कि रिलायंस ने आराम को कंपनी के साथ टाई अप किया है तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट आता है कि कई बार जो डिवीज़न होता है वो बोलता है कि हमें ज़्यादा लोकेशन नहीं दिया जा रहा है हमें ज़्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है तो इस बात को लेके कई बार इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज कॉस्ट इसमें देखने में आया है कि इसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है खर्चा कैसे आता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क किया जाता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने में नजर आता है मैं आपको इसको देखो ऐसे ही कैसे होता है अब जैसे मान लीजिए सीमेंट वाला है तो इसके अंदर प्रोडक्शन है फाइनेंस है और सेल्स है अब टेक्सटाइल वाले के अंदर भी प्रोडक्शन जरूर होगा अलग से अब मैंने यहाँ पे बनाया नहीं इसके अंदर भी फाइनेंस होगा प्रोडक्शन होगा तो कई बार क्या होता है दूसरा क्रेडिट ले जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सीमेंट वाला टेक्सटाइल वाले को बोलेगा कि भाई मैंने प्रोडक्ट अच्छा इसने किया लेकिन क्रेडिट ये ले जा सकता है तो ऐसे में क्या होता है अब देखो आप एक और एग्जांपल है कि प्रोडक्शन इसके लिए भी है सीमेंट वाले के लिए भी है देखो मैं दिखाता हूं सीमेंट वाले के लिए भी प्रोडक्शन रहेगा टेक्सटाइल के लिए भी प्रोडक्शन रहेगा फूड वाले के लिए भी प्रोडक्शन रहेगा तो यहां पे क्या है आपने एक ही तरह के तीन आपने डिपार्टमेंट बनाए अलग अलग तो इनके उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी आपको तो इससे क्या होता है महंगा पड़ता है और आपकी लागत को बढ़ा देता है तो ये कॉस्टली होता है ज्यादा खर्च होता है इसमें तो ये इंक्रीज करता है कॉस्ट को तीसरा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इसमें मैंने आपको बताया ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते तो कई बार क्या होता है इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से इनकी पावर बढ़ जाती है और ये पावर कई बार नुकसान भी हो कर जाती है इसको कई बार देखा गया है कि ये जो सीमेंट वाला जो है ये अपना गलत इस्तेमाल कर सकता है और ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है इसको कोई रोकने टोकने वाला ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऐसे में इसके क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो ये नुकसान भी देता है तो ये तीन हमने डिसएडवांटेज पढ़ा ये एक तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है डिविजन्स के बीच में खर्चा बढ़ जाता है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होने की वजह से नुकसानदायक है अब हम पढ़ेंगे कि सूटेबिलिटी क्या है किन के लिए किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो जहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है जैसे हमने पढ़ा ना प्रोडक्ट जैसे एक सीमेंट एक टेक्सटाइल है एक अलग है तो वहां पे ज्यादा सूटेबल होगा और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में फैला हुआ होगा अलग अलग एरिया में उसके लिए ज्यादा बेटर माना जाता है और तीसरा है वेयर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड रिक्वायर मोर डिपार्टमेंट्स जब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को तेजी से ग्रोथ कराना चाहेगा और अलग अलग डिपार्टमेंट्स खोलना चाहेगा तो ऐसे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है अब आइए सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्योंकि दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिया है तो इसका डिफरेंस बहुत आसान है सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे बनता है देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बनाया जाता है और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है ये हमने पढ़ लिया फिर आता है अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही आंसरेबिलिटी अगर आप देखो तो इसके अंदर मुश्किल होता है अकाउंटेबल करना किसके अंदर फंक्शनल के अंदर और डिविजनल के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है फिर आता है स्पेशलाइजेशन अगर आप देखो तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इस तरह का जो है ना ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देता है और इसमें आप देखोगे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो दोनों स्पेशलाइजेशन ही है लेकिन बेटा दोनों अलग अलग है फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन दिखाता है और डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्पेशलाइजेशन दिखाता है फिर आ जाता है कॉर्डिनेशन अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेशन भी करना बड़ा मुश्किल है अगर आप देखो फंक्शनल uh, स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है लेकिन अगर हम डिविजनल की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन काफ़ी आसान है एज़ कंपेयर टू फंक्शनल फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट खर्चा किस में फंक्शनल आर नॉट डुप्लीकेटेड ये डुप्लीकेटेड नहीं होता है इसीलिए ये सस्ता पड़ता है और हमने पढ़ा था ना ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी देना थोड़ा मुश्किल काम है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आसान काम है क्योंकि इसमें जो डिविजनल हेड होता है वो सारा का सारा काम अकेले संभालता है फिर है मैनेजरियल डेवलपमेंट इसमें मैंने बताया था ना ट्रेनिंग देना इसमें जो है मैनेजरियल डेवलपमेंट जो मैनेजर्स होते हैं उनको डेवलप करना थोड़ा मुश्किल काम है और यहाँ पे आसान हो जाता है उनको डेवलपिंग करना उनको ट्रेनिंग देना वगैरह और फिर है ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता अगर आप देखो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कम ऑटोनॉमी दी जाती है और डिविजनल के अंदर ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है तो ये थे स्टूडेंट्स बेसिक डिफरेंस जो आप पॉइंट्स पढ़ के समझ ही गए होगे तो आज इतना ही है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक like ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स को अगर आपको लगता है कि उनके लिए यूजफुल है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग